कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ऐसा हमारी सरकार की मंशा है। और कुछ दिन तो गुजारो उत्तर प्रदेश में, तो जब पर्याप्त बिजली सबको मिलेगी और ट्रिपिंग फ्री अगर इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी तो बड़ी तादाद में इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी। अभी जो इंडस्ट्री है उनको कोई असुविधा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो संकल्प है वो चरितार्थ होगा। तो जिस तरह से पूरे दुनिया में, जिस तरह से चीन घेरे में है, तो बड़ी तादाद में इंडस्ट्री आ रही है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो उसके लिए बिजली बहुत आवश्यकता है। बिजली एक सुविधा ही नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता है। तो बिजली सब लोगों को बिना किसी व्यवधान के मिले, सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, तो लोगों को भी 24 घंटे बिजली मिले, गांव को भी मिले, शहर को भी मिले, इंडस्ट्री को भी मिले, छोटा व्यवसायी है उसको भी मिले, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी मिले, तो बिना ट्रिपिंग के लोगों को बिजली मिले, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी NCR का इलाका है, इसमें ट्रिपिंग ना हो बिल्कुल, उसकी हमारी कोशिश है। बिल्कुल निश्चित रूप से, अभी आपने देखा सब लोगों से हम व्यक्तिगत तौर पर भी कॉल करके पूछ रहे हैं, उपभोक्ताओं से डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, और उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि। लोगों की शिकायत है मंडा में कि कुछ ज़्यादा आती है, तो उसको लेकर अब बिजली जब ज़्यादा आती है, पहले बिजली आती नहीं थी, तो जितना ज़्यादा बिजली आएगी, जितना ज़्यादा बिजली आप उपयोग करेंगे उस हिसाब से बिल आता है। फिर भी हम अपना जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है उसको बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो बिजली की कॉस्ट है, वो ट्रांसमिशन जो लॉसेज हैं, AT&C लॉसेज वगैरह हैं, वो अगर लगाएं तो 7.5 रुपये की बिजली हम उपभोक्ता तक कॉस्ट आती है। और हमारा जो लाइफलाइन कंज्यूमर है उसको हम पहले 100 यूनिट 3 रुपये में दे रहे हैं। हमारा जो किसान है उसको हम 1.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। 10,000 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो प्रयास है कि जो हमारा छोटा कंज्यूमर है, गरीब आदमी है, उसको हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराएं। अभी जो ड्राइव चल रहा है हमारा AT&C लॉस 15% से नीचे लाओ, 24 घंटे बिजली पाओ, तो उसमें भी हमने ग्रामीण क्षेत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। जब से हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से हमने ग्रामीण क्षेत्र को 52% वृद्धि की है सप्लाई में। तो ग्रामीण क्षेत्र को हम लगातार हमारी प्राथमिकता में, इंडस्ट्री हमारी प्राथमिकता में, गांव का गरीब, गांव के लोग हमारी प्राथमिकता को पर्याप्त बिजली मिले, क्योंकि बिजली पर्याप्त है, सरप्लस हमारे पास बिजली है उत्तर प्रदेश में, बिजली की कोई कमी नहीं है। तो लोगों को भी उतनी बिजली मिले, उसके लिए जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम लोग लगातार वेबिनार भी कर रहे हैं और मैं ज़मीन पर आकर भी निरीक्षण कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, देखा जाए तो बतौर मंत्री जिस तरह से आप हर जगह गौतमबुद्ध नगर जनपद में जाके विद्युत केंद्रों का जिस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या अधिकारियों से नहीं समझ पा रहा है? नहीं, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट नीचे ग्राउंड पर जाकर और थोड़ा हौसला बढ़ता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे सब इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया है, और तो हमारे एक मोटिवेशन होता है, मेरे लिए भी होता है और मेरे सब इंजीनियर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी होता है। जिस तरह से और ज़मीन पर आकर बहुत सारी जो कमियां हैं उनका भी थोड़ा आकलन होता है, उसके हिसाब से दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, तो सब चीज़ें ठीक हों। सर, गौतम बुद्ध नगर में हाई डेस्ट सोसाइटी है, बायोसो का ये कहना है कि एक तो उनको बिजली जो है पर्याप्त मात्रा से नहीं आती, और दूसरा जो प्रीपेड मीटर की बात करते लगवाने के लिए पर बिल्डर लगाने के लिए एक समस्या है। यहाँ मल्टी पॉइंट और सिंगल पॉइंट की दिक्कत है, क्योंकि कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ सिंगल पॉइंट से कनेक्शंस हैं। आप कई उपभोक्ताओं की शिकायत आई है कि जब 24 घंटे बिजली सरकार की तरफ से मिल रही है, फिर भी कई जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वहाँ जेनसेट चलता है, और फिर जो सोसाइटी जो ऑनर्स हैं वो अपने मनमर्जी उनसे पैसा वसूलते हैं। तो अभी पूरा प्रस्ताव हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं उसको, उपभोक्ताओं को कैसे राहत मिले, नियामक आयोग भी इस पूरे विषय को देख रहा है। तो हमारा प्रयास है कि मल्टी पॉइंट जो कनेक्शंस हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, बिल्डर के ऊपर करोड़ों का बकाया भी है बिजली विभाग का, फिर भी चुका नहीं रहे हो? नहीं, हमारी कोशिश है कि जो जिनके पास जो बकायेदार हैं वो अपना पूरा पैसा जमा कराएं, जिससे कि हम जो उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता उनको सस्ती बिजली उपलब्ध कराएं। सर, जिस तरह से उपभोक्ता सब बात कर रहे हैं और अपना नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, तो क्या आम जनता के लिए अपना नंबर आप उपलब्ध कराएंगे? बहुत पहले से ही है, सरकार पहली ऐसी सरकार है जो ट्विटर पे अपने उपभोक्ताओं को सुनती है, फेसबुक पे सुनती है। 1912 एक हमारा टोल फ्री नंबर है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार आप करें। 1912 की समीक्षा हम हर दिन रात्रि में करते हैं, उस पर ट्रांसफॉर्मर डैमेज की समीक्षा होती है, बिल से संबंधित कोई समस्या है, बिजली से कोई भी संबंधित समस्या है, तो आप 1912 पर कॉल कर सकते हैं। 1912 पर हमारे कॉल सेंटर हैं, यहाँ मेरठ में है, सभी डिस्कॉम में है, उधर आगरा में है, लखनऊ में है, बनारस में है,
तो सभी जगह कॉल सेंटर हमारे काम कर रहे हैं। तो उपभोक्ता फ्रेंडली ये गवर्नमेंट है, ये मतलब संवेदनशील सरकार है।